हेलो फ्यूचर आर्टिस्ट, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने वाले हैं। इस वीडियो के लास्ट तक आप भी परफेक्ट आउटलाइन बनाने लगेंगे। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी। ये मोदी जी की नहीं लेकिन मेरी गारंटी ज़रूर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये रेफरेंस फ़ोटो चुना है और जो पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ब्रशो का 200 GSM वाला ड्राइंग पेपर है। हमेशा आपको ध्यान रखना पेपर लेते समय कि वो एसिड फ्री हो, जैसे यहाँ पर लिखा है। अब आउटलाइन बनाते समय हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोग लाइट बनाएं, क्योंकि फिर अगर हम लोग डार्क बना देते हैं तो इरेज करने टाइम उसका मार्क्स आ जाता है, जिससे करेक्शन करने में दिक्कत होती है। इसलिए हमेशा हम लोग को लाइट बनाना है। आउटलाइन स्टार्ट करने के लिए हम लोग वही यूनिवर्सल रूल को फॉलो करेंगे सर्कल बना के। ये ज़रूरी नहीं है कि सर्कल परफेक्ट ही हो। एक बार में नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, बार बार ट्राई करेंगे। और अगर आपसे नहीं बन रहा तो आप कोई टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जितना बड़ा ड्राइंग बनाना है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सर्कल बनाएंगे। तो जैसे मुझे थोड़ा बड़ा बनाना है इसलिए मैं बड़ा सर्कल बनाऊंगा। सर्कल को उतना परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बस एक गाइडलाइन है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम लोग को रेफरेंस देख के ही ड्रॉ करना है। जैसे इस रेफरेंस में इस साइड का पार्ट कम दिख रहा है और इस साइड का पार्ट ज़्यादा दिख रहा है, तो इसलिए जो हम लोग का सेंटर लाइन होगा वो सेंटर पे नहीं होगा और साइड से जाएगा। इस तरह से, जैसे कि इधर ज़्यादा हो और इधर कम हो। अब हम लोग ये सर्कल का सेंटर लेंगे, जैसे ये सेंटर नहीं है तो मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा। ये हो गया हम लोग का आईब्रो लाइन और हम लोग का नाक ये सर्कल के एंडिंग से थोड़ा पहले खत्म होगा, तो वहां पर एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं। तो ये आईब्रो लाइन हो गया, तो मैं इसको आईज वाला लाइन रख लूंगा। इधर से हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन लेना है। हमें ये ध्यान रखना है कि जितना डिस्टेंस नोज और आईब्रो के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस ऊपर फोरहेड पे भी होगा और उतना ही डिस्टेंस नीचे भी होगा नोज के। तो हमेशा ये चीज़ मार्क कर लेना है। तो सबसे पहले मैं रेफरेंस को देखते हुए आईज, नोज और लिप्स जैसे पार्ट्स को बना लेता हूँ। हम लोग को अभी डिटेल में नहीं आना है, हम लोग बस अभी रफली उसको बनाएंगे। जैसे आईज के लिए ओवल टाइप का शेप, नोज के गैप को देखते हुए हम लोग को बनाना है, और नोज के लिए बीच में एक बड़ा सर्कल और साइड में एक छोटा सर्कल नोज को देखते हुए। और ये नोज और चिन के बीच में, दोनों के बीच में आएगा हम लोग का लिप्स, तो उसको हम लोग देख लेंगे। और हम लोग को आउटलाइन बनाते टाइम कोई भी जल्दी नहीं करना है, जितना आराम से बनाएंगे उतना अच्छा दिखेगा। इसलिए हम लोग ध्यान से और आराम से बनाएंगे। तो चलिए पहले आई से स्टार्ट करते हैं। मैं रेफरेंस को देखते हुए जैसा जहां पर सेप है वैसे ही बना रहा हूं।
आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसान होगा बनाने में आउटलाइन। मैं बहुत लोग देखता हूँ लोग शुरुआत में ही आउटलाइन बनाने के लिए ग्रेड का यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ उससे परफेक्ट आउटलाइन बन जाएगा लेकिन आप उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग को हमेशा फ्री हैंड यूज़ करना है जिससे आपका हाथ बैठ जाए। हमेशा हम लोग को ध्यान रखना है कि कौन से पार्ट के बीच में कितना गैप है, कि आइस के नीचे इतना गैप है, चश्मे के बीच में इधर इतना गैप है, वो देखते हुए बनाना है जिससे हम लोग से परफेक्ट बने। इसी तरह हम लोग आराम से ध्यान से देखते हुए दूसरे आइस को भी बनाएंगे। बी एड बनाते टाइम अभी हम लोग को उतना डिटेल में नहीं जाना है, वो हम लोग शेडिंग करते टाइम देखेंगे। बस अभी हम लोग को जहाँ जहाँ बी एड है उसका आउटलाइन ले लेना है।
लिप्स को बनाने टाइम हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यही फेस को डिफाइन करता है। तो इसलिए हम लोग को हमें इसको आराम से देख के बनाना है। अब हम लोग ईयर्स को ड्रॉ करेंगे। ये हमेशा हमें याद रखना है कि ईयर्स हमेशा आईब्रो और नोज़ के बीच में लाई करता है। जैसे आप प्रेफरेंस में भी देख सकते हैं, ईयर ये आईब्रो लाइन और नोज़ के बीच में लाई कर रहा है, तो हम लोग उसको वैसे ही बनाएंगे। हम लोग वैसे ही देखते हुए अब बाल को भी ड्रॉ करेंगे, जैसे जैसे वो स्ट्रोक्स है उसका। तो ये था फाइनल रिजल्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपने कुछ भी इस वीडियो से सीखा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसका शेडिंग वीडियो भी देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही, तो चलता हूँ, बाय।